चना और मूंग भिगो गए उसमें डालेंगे। यहाँ पे गेहूँ का है जिससे हम लोग लापसी बनाएंगे, ये सब इनमें डाल के गाय के ये लापसी तैयार करेंगे। और ये गुड़ का पानी है ना बोल रहे थे, ये लोग अपने पाँव पाँव धो के उन लोग गुड़ को पिघल रहे हैं। एज सून एज गुड़ पिघल जाएगा फिर उसके अंदर ये मूंग और चना भिगो हुए रात भर वो डालेंगे। और ये चूरा डालेंगे और ये गेहूं का सब डालेंगे और ये पूरा लापसी बनाएंगे। इतनी सारी 350 गायों के लिए 3500 लापसी बनेगी, 3500 किलो लापसी बनेगी। बोलो गाय माता की, बोलो गाय माता की। ये देखिए, ये देखिए, ये मूंग और ये चना ये भिगोए डालेंगे, लापसी बनाएंगे और पूरे 350 गांव 3500 किलोग्राम बनेगी लापसी। 400 गांव को आधे घंटे में ये लापसी रेडी हो जाएगी, आधे घंटे में। ये बोल रहे हैं आधे घंटे में लापसी रेडी हो जाएगी। ये हमारे गिरधर भाई है, गिरधर भाई जय श्री कृष्ण, जय गौ माता। आप कुछ बताएंगे कि गौशाला के बारे में कि यहाँ कितनी गाय है और क्या होता है? यहाँ पे 440 गाय है और हम लोग एवरी संडे यहाँ पे 11 बजे आते हैं। 11 बजे से लेकर 11:30 12 बजे तक लापसी बनाता है। लापसी में हम लोग गेहूँ का भूसा, तुवेर चुनी, दूध और पानी सब मिक्स करते हैं। उसके बाद उसमें नमक, अजमो और मेथी का पाउडर डालते हैं। जी, वो मेथी का पाउडर डालने से उसको गाय माता को गैस नहीं होता है और वो बीमार नहीं होती, उसके लिए मेथी अजमो और नमक डालते हैं। उसके बाद ये पूरा लापसी बन जाता है। उसके ऊपर हम चने की दाल और मूंग सैटरडे शाम को भिगोया हुआ रहता है, उसको करीबन 24 घंटा भिगोते हैं और भिगोया जैसा अपन लड्डू के ऊपर चूना का लड्डू के ऊपर अपन खसखस डालता है वैसा उसके ऊपर हम हमले पीछा देते हैं। फिर हर गाय के पेट में 8-10-10-15 दाना जाता है और टोटल लापसी 3500 केजी बनती है। एक गाय को करीबन 8 किलो लापसी गाय के मुँह तक पहुँचाते हैं और 2 बजे से 2:30 बजे तक सेवा करते हैं। 2:30 बजे तक इनका यहाँ पे सेवा का कार्यक्रम हर रविवार को चालू रहता है। खासकर हमारे जैसे विजिटर्स आउटसाइडर्स को इन्होंने संडे के दिन के लिए रखा है। वैसे तो एक्टिविटीज डेली रहती है लेकिन गिरधर भाई ये पूरा ओवरऑल संभाल रहे हैं। ये यहाँ के मैनेजमेंट के ट्रस्टी है और बहुत अच्छी तरीके से कुछ 450 गाय के करीब उनकी सेवा लगातार पिछले कुछ 12 सालों से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे हर किस्म की गाय आपको देखने को मिल सकती है। हमारा एक ग्रुप है जलाराम जी, ऐसा सब हमारे सब मेंबर है, चीतल भाई, कांति भाई, रमेश भाई, ये अपना संदूगा का राज भाई, सब ऐसे यहाँ पर हर एज के बतला रहे हैं कि हर एज के लोग इनके काम में सहयोग करते हैं और छोटे बच्चे से लेकर बड़े लोग तक। देखिए अभी 10 वर्ष का हमारा अक्षत राजा है, 10 साल का है। ओल्ड मैन 65 साल। अरे वाह वाह, जय हो। 65 साल के अंकल है। आबाद रहो, खुश रहो, आबाद रहो। और सभी लोग कितनी अपनी पूरी निष्ठा से अपनी सर्विसेज अपनी सेवाएं दे रहे हैं गौ माता को। ये देख के आज बहुत ही आनंदित प्रतीत हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि छोटे छोटे बच्चे आज की तारीख में, आज की जनरेशन में छोटे बच्चे लोग भी ये काम के लिए नहीं आते लेकिन इन्होंने ये संस्कार दिए है कि इनके घर के और इनके ग्रुप के सारे बच्चे कंटिन्यू ये सेवाएं करते हैं। जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? अर्चना जी, खास बात ये है कि इधर 450 गाय है लेकिन मुश्किल से उसमें 40 गाय दूध देती है, बाकी सब दूध देने वाली नहीं है, तो उसकी सेवा। ये बहुत ज्यादा अच्छी और इम्पोर्टेंट बात बताई है कि बहुत सारी गौशाला में क्या किया जाता है, इनकम के पर्पस से रखा जाता है लेकिन यहाँ पर जो गाय दूध नहीं देती है उनको भी उनकी भी सेवाएं की जा रही है। ऐसा नहीं है कि खाली दूध देने वाली ही गाय यहाँ रखी जा रही है। ये बोलते हैं 450 गाय में से सिर्फ 40 गाय दूध देती है, इट मीन्स कि 400 गाय बिगर दूध देने वाली है, तो उनकी सेवाएँ ऐसी ही कंटिन्यू चालू है। देख सकते हैं आप। कौन थी? वो कॉफी पीने वाला है क्या? कॉफी पीने वाला। अरे अरे, ये हमारे ग्रुप के मेंबर्स है, क्लब के मेंबर्स है। आज हमने एकदम अचानक ही वो निकाला, प्लान बनाया है
और वहाँ पे इन लोगों ने अपनी सहमति दिखाई और आज ये सब हम लोग एक छोटी सी ट्रेवलर्स करके आए हैं। ये देख सकते हैं आप सबके हाथों में किस तरीके से ये लोग बहुत उत्साहित है गौ की सेवा करने के लिए। ये हमारे दक्षा बहन एंड हर्षा बहन दोनों हैं, इतने दूर से अंधेरी से आए हुए हैं। मनीषा जी, सबके अंदर इतनी एक्साइटमेंट, आप गाय की आवाज़ें भी सुन सकते हैं। देखिए यहाँ गाय, इनकी सींग देखिए कितनी बड़ी सींग है, कि इनको देख के डर लगता है लेकिन ये किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती है।